शिवपुरी में प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिप्सी में सवार होकर दी परेड की सलामी। शिवपुरी जिले में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण किया, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर के साथ परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान परेड की टुकड़ियों द्वारा हर्ष फायर भी किया गया। 78वीं स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया, इसके बाद संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली युग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की 4% सहभागिता को अगले 5 वर्ष में 5% तक ले जाने के लिए मध्य प्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,689 करोड़ रुपये किया गया है। वर्ष 22-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29% है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64,738 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शिक्षण अधिगम और इंदौर के वायो सीएनजी संयंत्र का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है।